मायावती पलटी, सपा को बताया कमजोर, कहा ये भाजपा का सामना करने में सक्षम नहीं। सपा सुप्रीमो मायावती ने एक दिन पहले किए गए अपने ट्वीट पर उठी चर्चा के बाद सपा को कमजोर करार दिया है। उन्होंने कहा कि सपा भाजपा के सामने काफी लाचार व कमजोर है। समाजवादी पार्टी को इशारों इशारों में समर्थन देने वाली बसपा प्रमुख मायावती अगले ही दिन पलट गई हैं। उन्होंने सपा को काफी लाचार और कमजोर बताया। मंगलवार को मायावती ने ट्वीट कर कहा था कि धरना प्रदर्शन की अनुमति न देना सरकार की तानाशाही है, जिस पर माना जा रहा है कि सपा की विधानसभा के लिए निकली पैदल यात्रा को रोके जाने पर बसपा प्रमुख ने सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को ट्वीट कर उन्होंने सपा को कमजोर करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा की घोर जातिवादी, सांप्रदायिक व जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सेक्युलर शक्तियों ने सपा को वोट देकर यहां प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बना दिया, किंतु यह पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देने में विफल साबित होती हुई साफ दिख रही है। क्यों? एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भाजपा सरकार को यूपी की करोड़ों जनता के हित व कल्याण के विरुद्ध पूरी तरह से निरंकुश व जन विरोधी सोच व कार्यशैली के साथ काम करने की छूट मिली हुई है। विधानसभा में भी भारी संख्या बल होने के बावजूद सरकार के विरुद्ध सपा काफी लाचार व कमजोर दिखती है, जो कि अति चिंतनीय है। पति के मंगलवार को किए गए एक ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी, जिसमें उन्होंने सपा के पैदल मार्च को रोकने पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था।